नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएम योगी पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृत नहीं देने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक केस चलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का हर्जाना लगाया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाली ताकतें जो देश प्रदेश का विकास होते नहीं देखना चाहती, राज्य को इसकी जाँच करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से परहेज किया। कोर्ट ने यह विषय राज्य पर छोड़ दिया। कोर्ट ने टिप्पणी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की इस आशय की आशंका उठाए जाने पर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि याची जिसका 14 केसों का अपराध इतिहास है, वो 2007 से गोरखपुर जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ रहा है, जिसमें काफी धन खर्चा हुआ है। उसके पीछे सरकार व प्रदेश की विकास विरोधी ताकतें हैं। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस में विवेचना के बाद दाखिल फाइनल रिपोर्ट पर याचिका की आपत्ति ट्रायल कोर्ट की तरफ से निरस्त करने को सही माना और कहा जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अंतिम हो चुका है, उस पर ट्रायल कोर्ट पूर्ण विचार नहीं कर सकती। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के मामले में दाखिल पूर्ण निरीक्षण याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए 1,00,000 रुपए हर्जाने सहित खारिज कर दिया और याची को 4 हफ्ते में हर्जाना आर्मी वेलफेयर फंड के जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। ये फैसला न्यायमूर्ति डीके सिंह ने गोरखपुर के कथित सोशल वर्कर परवेज परवास की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के लोक सेवन होने के नाते शासन से उनके खिलाफ अभियोग चलाने की मांग की गई अनुमति पर इनकार कर दिया, जिसकी वैधता पर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे, जहां आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। निष्पक्ष विवेचना पर उठे सवालों को हाई कोर्ट ने सही नहीं माना और विवेचना अन्य एजेंसी को सौंपने की मांग अस्वीकार कर याचिका खारिज कर दिया। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को प्रोटेस्ट अर्जी पर इन्हीं मुद्दों पर फिर से सुनने का अधिकार नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने प्रोटेस्ट अर्जी खारिज करने में कोई कानूनी गलती नहीं की। अर्जी खारिज करने की वैधता की चुनौती याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा याचिका पर आदेश के पूर्व याची की कानूनी संघर्ष यात्रा को देखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि याची अक्टूबर 2007 में योगी आदित्यनाथ तत्कालीन सांसद गोरखपुर के खिलाफ हाईकोर्ट आया कि हुए अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए। कोर्ट ने कहा अदालत में धारा 156(3) में एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दे। सीजेएम ने अर्जी खारिज कर दी। याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सीजेएम का आदेश रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज विवेचना का निर्देश दिया। 2 नवंबर 2008 को गोरखपुर के कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। योगी सहित 5 लोग आरोपित किए गए। योगी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद याची ने सही विवेचना के लिए अन्य एजेंसी को जांच सौंपने की मांग में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया कि योगी के भाषण की डीवीडी व कैंपिक डिस्क फोरेंसिक जांच सही नहीं कराई गई, जो उनसे कोर्ट में पेश की गई। उनकी जाँच न कराकर फर्जी डीवीडी व डिस्क जांच के लिए लैब भेजा गया। इसी दौरान शासन ने योगी के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट पेश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए न सिर्फ याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का हर्जाना लगाया, बल्कि याचिकाकर्ता की नियत पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस बात की आशंका से इनकार भी नहीं किया है कि याचिकाकर्ता कुछ ऐसी ताकतों का मुखौटा बना हुआ है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही है और उत्तर प्रदेश की तरक्की को नहीं देखना चाहती। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।